hello dear students so how are you i guess everybody's superb again right i always hope for your superiority there so are you also confused as this girl is confused there with the confusing words you know some words always confuse us like where to use it to and to there and there where okay vary to here listen of of each every like this many more words are there which always confuse you okay as this girl is confused okay so are you also confused like this लेट्स रिमूव द कंफ्यूजन देयर ओके कि इस जो वीडियो है इसमें हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेके चल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को क्या होता है मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कॉमन मिस्टेक्स करते हैं इन द एग्जामिनेशन राइट ड्यूरिंग द फाइनल एग्जामिनेशन बट विल दे डू दे विल डू सम रॉन्ग अटेम्प्टेशन देयर एंड हाउ दे विल डू द रॉन्ग अटेम्प्टेशन Like they will write a T002 in place of 2, they will write THER in place of THEIR. So, if you are confusing, how will you remove the confusion? With the help of animations and with the help of examples, there. Okay, let's come with me and enjoy the.

प्री प्रीपोजिशन किसी भी चीज की पोजीशन से पहले हम उसको बताते हैं प्रीपोजिशन की कि यह ये जो इसकी क्या पोजीशन है लाइक पुश द डोर टू कि डोर को पुश करना है आई वॉकड टू ऑफिस कि ऑफिस में उसने वॉक किया मतलब आई वॉकड वो चला टू द ऑफिस ऑफिस की तरफ चला तो मींस टू से ये क्या आपका टुवर्ड्स की सेंस में यूज करते हैं अनटिल की सेंस में इसको यूज करते हैं एंड दिस इज योर प्रीपोजिशन वर्ड मींस प्री रास्ते में था इट फेल टू द्राउंड ये कहा गिरा ग्राउंड पे गिरा ओके सो वी कॉन्ट से दट इट है पर्टिकुलर हिंदी प्रोनाउंसिएशन की हिंदी का कोई भी इसका एग्जेक्ट कन्वर्जन नहीं है यहाँ पे ऑन द सेंस ऑफ द टू वर्ड का यहाँ पे हमें क्या करना है एज अ प्रेपोजिशन जब आप यूज करते हो किसी भी चीज की पोजिशन से पहले यूज करे हो दैट इज योर टू एंड टी डबल टू टू मीन यहाँ पर होते बहुत ज्यादा इनअ हो जाना ठीक है लाइक टू एक्सप्रेस मोर देन व्हाट इज नीडेड सुइटेबल और इनफ कि जरूरत से ज्यादा किसी काम का हो जाना ठीक है किसी भी काम का जरूरत से ज्यादा हो जाना इन दैट सेंस यू यूल टी डबलो टू और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यू नो हाउ इट हाउ दे इउंस इट दे देसिएशन टू 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 इज नॉट इट्स ओके इसकी नहीं होती इसकी प्रोनाशिएशन टू ही होती है ठीक है टू एंड टू और देखो यहाँ पर जो टी ओ टू है यहाँ पर टी डबलो टू है यहाँ पे बट इनके जो मीनिंग होते हैं इनका जो यूज होता है दैट इज क्वाइट डिफरेंट देयर ओके सो डोंट प्रोनाउंस इट टू दिस इज टू

कि मैं भी आना पसंद करूंगा भी की सेंस में भी आप इसको यूज करते हो कुछ ज्यादा ही एक्सेस की सेंस में आप इसको यूज करते हो आई थिंक दिस यूज ऑफ टू एंड दिस यूज ऑफ टू टू इज क्लियर टू यू ऑल ओके सो लाइक दिस यू विल यूज देयर कि इन द सेंस ऑफ वेरी मच और कंप्लीटेड और मोर देन नीड और इनफ मोर देन इनफ यू विल यूज देयर टू टू

यू आर हियरिंग लाइक आई कांट हियर वेरी वेल की मुझे अच्छे से नहीं सुन सकता ठीक है आई कुडेंट हियर हर स्पीक की जो उसने बोला है मैं उसको नहीं सुन सकता था आई हर्ड आर डी बेटा एक और होते हैं यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते है एच ई ए आर ईडी लगा देते हैं यहाँ पे सो दट इज रॉन्ग वर्ड योर वर्ड इज देयर हियर हर्ड हर्ड एच ई ए आर डी आएगा यहाँ पर so -E आए हियर के बाद जस्ट आपको डी एड करना होता है ईडी e इसके अंदर एड नहीं करना आपको ठीक है तो अब यहाँ पर इसने कहा आई हर्ड अ कार ड्राइव ऑफ ठीक है कि मुझे क्या सुनाई दिया यहाँ पर एक कार के ड्राइव के रुकने की यहाँ पर उसकी मतलब उसकी ऑफ का मतलब क्या होता है किसी चीज का बंद हो जाना ठीक है ऑन क्या होता है किसी चीज का स्टार्ट हो जाना तो यहाँ पर ऑन और ऑफ भी आपको आगे आएंगे तो यहाँ पर क्या होता है किसी की कार की ड्राइविंग का ऑफ होना या फिर किसी की ड्राइव की कार जो ड्राइव कर रहा था कार उसका रुकना उसने सुना यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर तो बाई चांस किसी को कुछ भी सुन जाता है हमने क्या किया कि हमें जो कुछ मतलब मान लो कि आवाज लगा रहा है गली में ठीक है कोई घर पे हमें बुला रहा है तो वो क्या हियरिंग है कि हाँ वो सुन गया हमें ठीक है ओब्बियसली सुन गया अगर किसी ने आवाज लगाई तो बट यहाँ पर क्या है लिसन लिसन होता है कि अटेंशन पे करना ध्यान से सुनना किसी को ठीक है किसी को स्पेशली सुनना यहाँ पे तो वो क्या है आपका लिसन के सेंस में टू पे अटेंशन टू समबड़ी और समथिंग दैट यू कैन हियर जो तुम सुन सकते हो मतलब मान लो कि आपकी साउंड जैसे कम है आपकी वॉल्यूम कम है बट आप उसको सुनना चाहते हो बड़ी Carefully बड़ी attentively बड़े ध्यान से किसी चीज को सुनना दैट इज योर लिसन और हियर क्या होता है अल्टीमेटली वो आपको सुनाई दे जाती है टू बी अवेयर ऑफ साउंड विद योर इयर्स कि आपके कानों में कुछ का, आवाज पड़ती है और आपको सुन जाती है एक लिसनिंग होता है वो क्या होते हैं कि आपको ऑब्वियसली बहुत अटेंटिवली आप ध्यान से किसी को सुन रहे हो दैट इज योर लिसन

टेक इट ऑफ किसी चीज का मतलब किसी चीज से अलग होना सेपरेशन होना सेपरेशन के सेंस में यहाँ पर होता है क्या आपका ऑफ होता है यहाँ पे ठीक है जब हम किसी चीज को सेपरेट कर देते हैं ठीक है टर्न ऑफ द लाइट लाइट को हमने क्या कर दिया बंद कर दिया किसी चीज को बंद करना ओके okay, उसको उससे अलग कर देना कि लाइट से हमने ट्यूब को यहाँ पर क्या किया लाइट के कनेक्शन को हमने अलग कर दिया यहाँ पे यानी कि उसके वायर खोल के इसको अलग कर देना ऐसा नहीं होता बेटा ठीक है यहाँ पर क्या होता है कि टर्न ऑफ हमने बंद कर दिया है किसको लाइट को जो लाइट आ रही थी हमने उसको बंद कर दिया यहाँ पर हम हमने स्विच ऑफ कर दिया फैन को जो फैन चल रहा था हमने उसको बंद कर दिया तो क्या सेंस है यहाँ पर किसी भी चीज को सेपरेट करने के लिए किसी दूसरी चीज से या फिर उसको बंद करने की सेंस में क्या लगाते हैं ऑफ लगाते हैं ठीक है अब आता है सिंपल ऑफ अगेन दिस ऑफ इज एज अ प्रेपोजिशन यू विल यूज दिस ऑफ बिफोर द पोजिशन ऑफ समथिंग किसी चीज की, की जो पोजिशन है वो क्या है यहाँ पे जैसे चिल्ड्रन हैव द क्वालिटीज ऑफ देयर पेरेंट्स उनके जो पेरेंट्स की क्वालिटीज होते हैं हो, किसके अंदर होती है बच्चों के अंदर होते हैं तो किसकी बच्चों की 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 सेंस में कहां पे आपका यूज हुआ पर में इसका ऑफ का यूज होता है यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट ईच एवरी एंड ऑल हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे ईच आएगा कहाँ पे एवरी आएगा सो लेट स्टार्ट देर यूज ईच वैन रेफरिंग टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ ग्रुप वन एट अ टाइम कि एक टाइम जब एक इंडिविजुअल ग्रुप को आप इंडिकेट कर रहे हो जैसे ईच आर्टिस्ट सीज कि हर आर्टिस्ट ने उसको देखा कि ग्रुप में से किसी एक को हमने इंडिकेट किया यहाँ पे द शोल्जर्स ईच रिसीव्ड अ मेडल तो हमने क्या किया कि जितने शोल्जर्स थे उनमें से एक में ग्रुप में से कोई एक अगर सामने आ रहा है दैट इज योर ईच ईच कि वी नीड अदर हमें एक दूसरे की जरूरत है अदर कौन है बहुत ज्यादा लोग हैं हैं जो कि अदर्स में आते हैं और उनमें से हमें जो ईच मतलब हर एक की हमें जरूरत होती है दे हेटेड ईच अदर वो एक दूसरे से नफरत करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जब ग्रुप में से ग्रुप ऑफ पीपल ग्रुप ऑफ थिंग्स में से हम किसी एक चीज को इंडिकेट करते हैं वी विल यूज देयर ईच वर्ड ओके अब यहाँ पर आता है एवरी वी यूज एवरी टू उट कलेक्टिवली थिंग्स मोर देन इंडिविजुअल मतलब एक से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं. कि हमने तो यहाँ पर क्या किया तो ग्रुप में से एक चीज को इंडिकेट किया अब एवरी में हमने क्या करना है ठीक है. है जैसे आई शेव एवरी मॉर्निंग हर मॉर्निंग को मैं शेव करता हूं अब यहाँ पर एक मॉर्निंग को नहीं करता एवरी मॉर्निंग मतलब हर मोर्निंग अब यहाँ पर हमने क्या किया कि मोर्निंग की जो एवरी मॉर्निंग है हर एक मॉर्निंग को हमने यहां पर इंक्लूड कर दिया मीन मोर देन वर्क को हमने यहाँ पे क्या किया इंक्लूड कर दिया यहाँ पर ठीक है जैसे शी वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम एवरीडे लाइफ ये जो एवरीडे की लाइफ है उससे वो जो दूर हो जाना चाहती थी ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि एवरीडे की लाइफ है एक दिन की लाइफ नहीं है हर रोज की जो लाइफ है मींस हर रोज की सेंस जो आते हैं यहां पर हर एक से रिलेटेड जो आते हैं वो हमारे आते एवरी की सेंस में यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट इज देयर ऑल ऑल क्या होता है टोटली totally सारा ठीक है तो इसमें क्या कि इट मीन टोटल वी यूज इट टू टॉक हम ये यूज करते कब यूज करते अबाउट द टोटल नंबर ऑफ थिंग्स सारी चीजों के लिए हम इसको यूज कर देते कि जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसमें इंक्लूड होंगी कैसे आई स्टेड होम ऑल डे इन स्टेड ऑफ गोइंग टू वर्क भाई अब जैसे लॉकडाउन के ड्यूरेशन में वो क्या है कि मैं घर पे रहा हूं मैं घर पे रहा कब ऑल डे सारा दिन ही मैं घर पे रहा हूँ ठीक है इंस्टीड ऑफ गोइंग टू वर्क वर्क पे जाने की बजाय मैं क्या रहा हूँ घर पे ही रहा यहाँ पर ऑल मैन आर इक्वल अब यहाँ पर एम ई एन है यहाँ पे प्लूरल के लिए हम एम एन सिंगुलर और एम ई एन मैन क्या होते हैं यहाँ पे प्लूरल होते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो ऑल मैन है सारे के सारे आदमी यहाँ पर क्या है इक्वल है अब ये तो नहीं की एवरी मैन इज इक्वल कि हर दूसरा बंदा इक्वल है ऐसे तो नहीं करेंगे हम कहेंगे ओल्ड मैन आर इक्वल कि जितने हैं सारे टोटल टोटल सारे ही वो इक्वल होते हैं ऑल चीताज आर फास्ट जितने भी चीताज होते हैं वो सारे के सारे फास्ट ही होते हैं ऑल चिल्ड्रन नीड केयर देखो ये तो नहीं कि एक बच्चे को आपने को केयर कर दिया ठीक है ईच 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 को 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 कि आप जितने सारे बच्चे उनमें से किसी एक एक करोगे तो आ जाएगा ठीक है और अगर सारे ग्रुप में से दो चार को मतलब आप कर रहे हो तो उसमें एवरे आ जाता है लेकिन आपको तो क्या करना है सभी बच्चों को केयर की जरूरत होती है ना तो सभी को जरूरत होगी तो टोटल को जरूरत है टोटल के लिए अब ऑल का यूज करोगे यहाँ पे सो यू विल यूज देर ऑल चिल्ड्रन नीड केयर की हर जो बच्चा है उसको किस की जरूरत होती है केयर की जरूरत होती है सो आई होप डिफरेंस बिट्वीन ईच एवरी एंड ऑल इज क्लियर टू यूर ऑल नाउ द नेक्स्ट वर्ड देअर दे आर ऑर दे हमेशा कंफ्यूज होते हैं बच्चे और एक होता है टी एच ई आर ई भी होता है बेटा टी एच ई आर ई ये जो देर वर्ड होता है वो होता है प्लेस के लिए किसी प्लेस को इंडिकेट करता है वहां पे ठीक तो है तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं टी एच ई आई आर की जगह टी एच ई आर ई लिख देते हैं यहाँ पे तो टी एच ई आर ई जो है इट इंडिकेट प्लेस T -h -e -r -e, there. There आपके, आपको शो करता है वो रिलेशन में आता है यह आपका प्रेपोजिशन के अंदर यूज होता है ठीक है ये रिलेशन के यूज करते हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पर होता है दे आर अब यहाँ पर एपोस्टोपी लगा के आर ई लगा रखा है मीन्स आपने ए यहां पर नहीं लिखा अगर हम ऐसे एपोस्टोपी लगा के और आर ई लगाते इट मीन्स यहाँ पर जो पहला अल्फाबेट होता है का, वो आपको नहीं लिखना होता है यहाँ पर ठीक है तो इट मीन्स क्या होता है देखो नीचे दिया हुआ यहाँ पर दे आर ठीक है दे आर इज कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पर क्या है दे आर का पर टी एच ई ई वाई दे और ए आर आर बट जब आप इसको कंबाइन करते हैं आप लेटेस्ट इंग्लिश की फॉर्म में लिखते हैं तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पर दे के साथ आपको फिर एपोस्ट्रोफी साइन यूज करना है और आर ई आर लगा देना है आपको पहला अल्फाबेट हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर नहीं लगाना ठीक है लाइक दे आर हैप्पी तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो लेटेस्ट फॉर्म में या फिर दे आर हैप्पी भी आप इसको लगा सकते हो देयर बुक्स बिलोंग करते यहाँ पे तो जब आप ह्यूमन सेंस में प्रोनाउन की जगह पे लगाते हो दैट इज यी एच ई आई आर ओके सो आई थिंक यू द कंफ्यूजन इज रिमूव्ड देयर की टी एच ई एपोस्टोपी आर ई लगाते हैं तो इट मीन क्या होता है की दे

pronunciation is same there it's and it's but in the way of writing it will be different and the meaning will also different how it will be different there like it apostrophe as means it is as i told you earlier there that when you are using apostrophe sign then what will happen there Their first alphabet of helping verb will जैसे एस के पर इस होगा, इस होगा, और इज में से आपने आई को यहाँ पर नहीं लगाया हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट एल्फाबेट है वो आपने यहाँ पर डिलीट कर दिया सो दिस इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग इट इज ओके एंड नेक्स्ट इज देयर लाइक इट्स इट्स होता है इसका ठीक है इसका के सेंस में आई टी एस इट्स लगाते विदाउट एपोस्ट्रोफी साइन जैसे यहाँ पे लिखा इट्स अ पॉजिटिव एडजेक्टिव माई बोल योर बोल इट्स बोल तो ये यहाँ पर क्या है कि इसकी बोल है ये ये क्या है कि हुज बोल इज दिस इट्स बोल कि इसकी बोल है ये इसकी और अगर आप लगाते हो इट इज एपोस्ट्रोफी लगा के लगाते हो तो क्या आता है इट इज ओके और अगर आपको हैज भी यूज करना है तो यहाँ पर आप क्या लोगो आई टी लगा के इट और एपोस्टोपी एस लगाते हैं तो यहाँ पर इसकी सेंस आते है इट हैज के भी सेंस यहाँ पे बहुत बार आती है वो कब आती है परफेक्शन की सेंस में अगर आपका सिंपल प्रेजेंट चल रहा है तो उसमें इट इज को कंसीडर करते हैं अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में इसमें परफेक्ट में चल रहा है तो परफेक्ट में आपको पता है कि हैज या हैव हम लगाते हैं तो हम क्या करेंगे इट लगा के हैज लगा दिया तो इट मीस ये क्या हो गया आपका इट हैज बन जाता है यहाँ पे ठीक है लाइक द डॉग इज लेजी एंड इट्स हंगरी इट इज हंगरी आएगा ना यहाँ पर कि वो हंगरी है द डॉग इज इट Its food, जो है वो इसका खाना खा रहा है इट इज इटिंग इट्स फूड जो इसका ही खाना मतलब किसी और का खाना नहीं खा रहा किसी और का खाना नहीं खाता तो किसका खा रहा है अपना ही खा रहा है इट्स eating इट्स फूड अब देखो इट्स इट्स का मतलब इट इज कि यह है

वेरी यहां पर क्या होता है हाई डिग्री होता है ठीक है या फिर और अ लार्ज अमाउंट होता है मतलब लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप इसको कर दो तो सकते हो ना टू की सेंस क्या होती है कि टू की सेंस आपको नेगेटिव सेंस देता है कैसे हॉट आई कांट ड्रिंक इट कि ये इतनी ज्यादा गर्म है कि मैं इसको नहीं पी सकता जब आपके नेगेटिव सेंस आ गए ना तो आपकी क्या आ जाती है यहाँ पर टू का यूज होता है टू हॉट बहुत ज्यादा गर्म है बहुत ज्यादा ठीक है वैसे तो वैरी का मतलब होता है बहुत लेकिन यहाँ पर वैरी से ज्यादा जो सेंस निकलती है कि बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा है कि वो ये काम नहीं कर सकता तो वहां पर टू जो वो नेगेटिव सेंस देता है यहाँ पर कि वो इतनी जो है वो होट है वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि वो काम नहीं कर सकता तो यहाँ पर जब नेगेटिव सेंस आती है और बहुत ज्यादा की सेंस आपको गिवन है देन यू विल यूज टू वर्ड और बट अगर आपका बहुत ज्यादा की सेंस गिवन है बट आप उसको कर सकते हो थोड़ी देर के बाद कर सकते हो ना उसको तो दैट विल बी देर वेरी तो आप उस यहाँ पर वेरी का यूज करेंगे ठीक है जैसे नीचे दिया हुआ है वेरी वेरी जैसे हैवी वेरी हैवी द ब्रिज इज वेरी हैवी बट माइक कैन लिफ्ट इट भी ब्रिज सॉरी जो फ्रीज है सॉरी जो फ्रीज है फ्रीज जो क्या है यहाँ पर बहुत हैवी है बट वो क्या है कि माइक इसको उठा सकता है कैन लिफ्ट इट उसको उठा सकता है भारी है पर वो उठा सकता है तो यहाँ पर इसमें क्या लगाओगे आप वेरी लगाओगे बट माइक कैन लिफ्ट इट भी हैवी है बहुत हैवी है बट वो उसको उठा सकता है ना कैपेसिटी तो है पॉसिबिलिटी तो है काम करने की जब पॉसिबिलिटी यस yes में आती है देन यू हैव टू यूज वेरी इन द फिलप और अगर आता है द फ्रीज इज हैवी ओके स्टीव कांट लिफ्टेड कि उसको उठा ही नहीं सकता जब नेगेटिव सेंस पर आ तो आपको क्या यूज यूज करना करना होगा करना होगा टू टू का आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि जब आपका टू बहुत ज्यादा की सेंस आती है जब आप उस काम को नहीं कर सकते नोट की सेंस आ गई तो टू का यूज हो जाएगा बट अगर वेरी की सेंस आते हैं बोथ की सेंस आते हैं लेकिन आप उस काम को कर सकते हो बेशक आप थोड़ी देर के बाद करोगे लेकिन कर सकते हो देन इन दैट केस वट विल बी देर The east will be your two, uh, very वर्ड सॉरी ठीक है तो वेरी की सेंस में पॉजिटिविटी आती है और टू की सेंस में नेगेटिविटी आती है कि उसका हमको आप नहीं कर सकते हो इतनी ज्यादा है ठीक है नेक्स्ट इज देन और देन मोर कंफ्यूजिंग words. ओके सो than एंड देन टी एच ई एन देन होता है तब टीएच एन देन होता है कंपैरिजन के लिए तो देन आपका टाइम को इंडिकेट करता है हमेशा ठीक है देन आपका किसको करता है टाइम को इंडिकेट करता है यहां पर और जो देन है ये आपको कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं तो आप हमने हमेशा यूज करना यहाँ पर क्या टीएच एन देन इज यूज टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ टाइम कि टाइम का जैसे देन दा, देन द द रेन केम एंड रेड फ्लैग ओके एंड द रेड फ्लैग वेंट अप टू सिग्नल अ हॉल्ट तो मतलब तब तब की सेंस जब आ हैं तो आपका देन का यूज़ हैं और देन का भी यूज़ होता होता और जब आप आप कर रहे होते हैं। जैसे कंपेयर पुअर uh, जो, जो है वो पुअर विदाउट डेप्थ अगर एक गरीब बंदा है उसने उधार नहीं लिया है इज बेटर देन अ प्रिंस वो एक प्रिंस से भी बेटर है हमने कंपेयर कर दिया दो लोगों को yeah two things ko humne compare kar diya. if we are comparing two things or two persons there so in the sense of comparison you will use a, T -H -A -N, then and if you are indicating a time something is indicating time there then you will use a T -H -E -N, then okay i think this is clear to you all these are some more confusing words in the next video i will again show you that which are some more indicating words which you always confuse you so students are your confusions रिमूव्ड ना हो आपकी जो कंफ्यूजन है क्या रिमूव हो चुकी है जैसे आपका फर्स्ट आपके जो स्लाइड थी उसमें मैंने क्या दिखाया दैट वन चाइल्ड वन गर्ल वाज कंफ्यूज्ड देयर बिकॉज ऑफ दीज वर्ड्स आर यू आल्सो कंफ्यूज्ड नाउ I think your confusion has removed now. So you will use everything correctly. You will frame the sentences with the correct form of sense there. Okay. Enjoy for watching the video. Subscribe the channel so that you will get many more videos like this there. Okay. Thank you so much for watching the video. Have a nice day.